अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछली बार हमने यहाँ पर 5 सवाल किए थे। अब हमको यहाँ पर आगे के सवाल, हमने यहाँ पर 5 किए थे या 4 किए थे, हमने यहाँ पर 4 सवाल किए थे। अब हमको यहाँ पर आगे 5वें सवाल से स्टार्ट करना है। रितु और नीतू, चैप्टर नंबर 5 का दाखला है ये, सॉरी 4 का दाखला है। रितु और नीतु एक भागीदारी पेढ़ीना भागीदारों छे। तेमनी वच्चेनो नफा नुकसानो प्रमाण 3:2 छे। 31/3/2018 ना रोज पेढ़ीना चौपड़े नीचेनी बाकीओ छे। नफा नुकसान की उधार बाकी 20,000, अनामत भंडोर 3,50,000, कारीगर अकस्मात वर्तर भंडोर 15,000, कारीगर नफा भाग भंडोर 27,000। भागीदारों नफा नुकसाननु नव प्रमाण 1:1 नक्की कर्युं छे। कारीगर अकस्मात वर्तर भंडोरनी सामे कारीगरों 5,000 नो दावो चुकवानो बाकी छे, आम नोंध लखो। चलो अभी यहाँ पर नफा नुकसान को पहले तकसीम किया जाएगा। नफा नुकसान की बाकी दी हुई है 20,000, जिसे हम पुराने नफा नुकसान के प्रमाण में 3:2 में तकसीम करेंगे। यहाँ पर नफा नुकसान की बाकी को 3:2 में तकसीम किया जाएगा। तो रितु के पूंजी खाते में उधार 12,000 और नीतू के पूंजी खाते में उधार 8,000। नफा नुकसान की उधार बाकी है तो इनका पूंजी खाता उधार होगा, तो नफा नुकसान खाते 20,000। दूसरी एंट्री है अनामत भंडोर 35,000। अनामत भंडोर खाते 35,000 को भी 35,000 अनामत भंडोर को जमा कर दिया जाएगा। अनामत भंडोर के साथ हमारी एक और एंट्री है कारीगर अकस्मात वर्तर भंडोर। कारीगर अकस्मात वर्तर भंडोर के अंदर दावा दिया हुआ है 5,000 का, तो कारीगर अकस्मात वर्तर भंडोर 15,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो बचेगा 10,000। ये 10,000 और ये 35,000, ऊपर जो अनामत भंडोर है 35,000 और वर्तर भंडोर बचा 10,000, टोटल हुआ 45,000, जिसे हम 3:2 के प्रमाण में पुराने नफा नुकसान के प्रमाण में तकसीम कर देंगे। कारीगर नफा भाग भंडोर को तकसीम नहीं किया जाता, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। अब ये दोनों वो जो जखीरे है वो जब तकसीम किए जाते हैं तो पूंजी खाता जमा होता है। अब यहाँ पर 45,000 को हम यहाँ पर तकसीम करेंगे, तो यहाँ पर एक के पूंजी खाते में आएगा 27,000 और दूसरे के पूंजी खाते में आएगा 18,000। देखो यहाँ पर हमारा अनामत भंडोर है 35,000, अकस्मात वर्तर है 10,000 बचा रितु के पूंजी खाते में, और नीतू के पूंजी खाते में 27,000 और 18,000। अब हमारा आगे का सवाल है, त्यागनु प्रमाण उदाहरण सहित समझाओ। भागीदारी पेढ़ी में चालू भागीदारों वच्चे नफा नुकसान वेचरीना प्रमाण में ज्यारे फेरफार करवामां आवे छे, तेनाथी कोई भागीदार तेने मळता नफामांथी घटाड़ो करवो पड़े छे। किसी किसी के नफे में कमी होती है, केटलाक भागीदार ने नफानी फाळवणी में फेरफार ने बदली दे पहला ज नफा में भाग मळतो हतो, तेनाथी ओछो भाग मळशे ते प्रमाणे त्यागनु प्रमाण कहे छे। भागीदारी पेढ़ी में नवा भागीदार ना प्रवेश जूना भागीदारे पोताना नफाना भाग नवा भागीदार ने आपवो पड़े छे। नफामांथी जे प्रमाण आपवामां आवे तेने त्यागनु प्रमाण कहे छे। भागीदारे करेल त्याग बराबर जूनो भाग माइनस नवो भाग। भागीदार ने मळता नफानो जूनो भाग नवा भाग करता वधु होय तो भागीदारे त्याग कर्यो छे तेम कहेवाय। एक्जाम्पल 3:2:1 प्रमाणमां नफो नुकसान वेचता भागीदारो छे, 3 भागीदारो है, तेओए नफा नुकसानी फाळवणीनुं प्रमाण बदलीने 1:1:1 करवानुं नक्की कर्युं छे। अब यहाँ पर इनका त्याग का प्रमाण निकाला जाएगा।
पुराना प्रमाण है 3 के तकसीम में 6 और नया है 1 के तकसीम में 3। दोनों के छेद सरखे करेंगे, 3 2 6, यहाँ पर 6 1 6, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 6 1 6, यहाँ पर 1 आएगा। यहाँ पर छेद सरखे करने के लिए 18 निकाला है। अगर हम 6 भी निकालेंगे, यानी 6 का 6 3 2 6, तो यहाँ पर 3 में से, यहाँ पर 2 का 2, 3 में से 1 जाएगा, तो 1 के तकसीम में 6 ही रहेगा। और यहाँ पर जो किया है वो इस तरह किया है कि 46 18 3 6 18, 3 3 9 और 6 1 6, 9 में से 6 जाएगा, तो 3 के तकसीम में 18 बचेगा, बराबर 1 के तकसीम में 6 त्याग। इसी तरह दूसरा और तीसरा भी निकाला है। दूसरे वाले को 2 के तकसीम में 6 माइनस 1 के तकसीम में 3, 6 माइनस 6 के तकसीम में 18, दूसरे को 0, न त्याग हुआ है न लाभ हुआ है। तीसरा 1 के तकसीम में 6 माइनस 1 के तकसीम में 3 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, मिस्टेक हुई है लिख। अब यहाँ पर छेद सरके करेंगे, 3 6 18, 6 4 18, 3 1 3 6 1 6, यहाँ पर -3 के तकसीम में 18 यानी -1 के तकसीम में 6 यानी माइनस में आया है, तो लाभ हुआ है। इस दाखले में, इस सवाल में दिया हुआ है लाभनो प्रमाण समझाओ उदाहरण सहित। भागीदारी पेढ़ी में चालू भागीदारों वच्चे नफा या हिस्सा की फाळवणी में फेरफार थवाने कारण केटला भागीदारों ने मळता नफाना प्रमाण में वधारो थाय छे, यानी पहले करते ज़्यादा नफे में इजाफा होता है, ज़्यादा नफा मिलता है, जे नफो मळतो हतो तेनाथी वधु मळे छे, आ वधारानो नफानो हिस्सो एटले लाभनो प्रमाण। लाभना प्रमाणनो आधार भागीदारो वच्चेना नफा नुकसानना प्रमाणमां थयेल फेरफार पर आधार राखे छे। भागीदारोने भागीदारोनो लाभ बराबर नवो भाग माइनस जूनो भाग। ભાગીદારને મળતા નફાનો નવો ભાગ જૂના ભાગ કરતાં વધુ હોય તો ભાગીદારને લાભ મળે છે એમ કહેવાય। પુરાને હિસ્સે સે નયા હિસ્સા જ્યાદા હો ઇસકા મતલબ લાભ હૈ, પુરાને હિસ્સે સે નયા હિસ્સા કમ હો ઇસકા મતલબ ત્યાગ હૈ। એક ભાગીદારી પેઢીમાં 4:3:3 પ્રમાણમાં નફા નુકસાનના વચ્ચેના ભાગીદાર છે, બધા જ ભાગીદારો મળીને નફા નુકસાનની ફાળવણીનો નવું પ્રમાણ 3:2:1 કરવાનું નક્કી કર્યું। ચલો અભી એ કા પ્રમાણ, નયા પ્રમાણ પહેલે લિખેંગે। નયા પ્રમાણ 3 કે તકસીમ મેં 6 ઓર પુરાના હૈ 4 કે તકસીમ મેં 10। 3 કે તકસીમ મેં 6 યાની 6 ડાંગ 60, 10 છંગ 60, 10 તાલી 30, 6 ચોક 24, 30 में से 6 जाए -24 जाएगा, तो 6 के तकसीम में 60, 3 के तकसीम में 30, ये हुआ लाभ। अब दूसरा प्रमाण है 2 के तकसीम में 6 -3 के तकसीम में 10, यहाँ पर इसको तकसीम करेंगे 10 से, यहाँ पर इसको तकसीम करेंगे 6 से, 10 2 20, 3 6 18, यहाँ पर आएगा 2 के तकसीम में 60, 1 के तकसीम में 30। तीसरे का हिस्सा 1 के तकसीम में 6 -3 के तकसीम में 10। अब यहाँ पर भी अपने तकसीम ज़र्ब करेंगे, 6 10 6 60 और 6 डांग 60, 10 1 10 46 18, यहाँ पर -8 के तकसीम में 60 यानी 4 के तकसीम में 4 2 8 15 2 30, यहाँ पर इन दोनों को लाभ हुआ है और इसे त्याग हुआ है, तो ये अपना तीसरा हिस्सा और ये अपना एक हिस्सा, दोनों मिलाकर चार हिस्से पार्टनर सी को दे देंगे। ये है लाभ का प्रमाण। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।